हेलो चिल्ड्रन, आई एम रईस आका, योर न्यू आर्ट टीचर। टुडे वी डिस्कस द एसेंशियल टू इम्प्रूव योर ड्राइंग्स। आई नो वेरी वेल दैट यू ऑल नो अबाउट स्केचिंग, अबाउट ड्राइंग एंड ऑब्जर्विंग द थिंग्स डीपली, बट देर आर सम एसेंशियल्स to do the drawing. First of all, you need a basic pencil, HB pencil, by which you write on your copies. A sharpener, the most essential thing in art, the sharpener. I do not recommend that you use eraser, so keep it aside. I do not want any type of eraser in the drawing. The very beginning, you know what's dots, points, say draw two dots here, dot A and dot B, and we have to try to make a line passing through that two points. So without any effort, loosen your grip on the pencil and just draw a line. Pick two points and just draw a line. Pick two points, just draw a line. Just draw a line. Got it? Need not worry about the line is थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये अच्छी नहीं लग रही है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये इम्प्रूव होता जाएगा, बट यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें क्या सीखनी है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पेंसिल पे आपकी ग्रिप क्या है और आप इसको कहाँ से होल्ड कर रहे हैं, कहाँ से पकड़ रहे हैं। ठीक है, आप इसको बहुत पास से पकड़ते हैं या इसको आप बहुत दूर से पकड़ते हैं। तो मिडवे क्या है कि जितने में आपका कंफर्ट है, आप ये जो पाम है और ये पेपर पे रखेंगे जब आप, तो पेंसिल जो है उसकी रीच पेपर तक हो जाए, दैट्स इट। ना इससे आगे पकड़ना है ना इसके पीछे पकड़ना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, आर्ट्स में ज़रूरी होता है कि पेंसिल पर ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट ना पकड़ें आप, थोड़ा सा लूज करके पकड़े ताकि किसी भी एंगल पे इसको हम फ्लो कर पाए। अगर आप बहुत पास से पकड़ेंगे तो आपको पूरा हैंड को आगे से पीछे लेके जाना पड़ेगा, बट अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो आप इसको बहुत आराम से ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि ग्रिप, दूसरी चीज़ है प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा पेपर पे नहीं देना है, इतना प्रेशर नहीं देंगे कि इसका इम्प्रेशन आपके बैक साइड में दिखाई दे। ठीक है, जब आप राइटिंग करते हैं तब भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप लिखें तो जो आपने इस पेज पे लिखा है ये इसकी बैक पे दिखाई ना दे, इसकी बैक पे उसका इम्प्रेशन ना आए। ठीक है, तो इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि जब आप राइटिंग करेंगे तो पीछे की तरफ इम्प्रेशंस नहीं आएंगे और पीछे के पेज में जब आप लिखेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, कॉपी को कभी अकॉर्डिंग टू द लाइन हम मूव नहीं करेंगे। ठीक है, मूव नहीं करना, हमें क्या करना है, कॉपी को अपनी तरफ रखना है सीधा और उसके बाद सिर्फ हैंड से इसको मूव करना है, कॉपी को नहीं, अपने हैंड को मूव करना है, कॉपी को नहीं। ठीक,
तीसरी और सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है कि नेवर एवर यूज़ इरेज़र। जब तक शेडिंग वाला पोर्शन आपको नहीं कराएंगे, उससे पहले आपको इरेज़र के बारे में सोचना भी नहीं है। गॉट इट? अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई कि हमको एक लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अब हम ये देखेंगे कि क्या मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पाता हूँ। पैरेलल लाइन मीन्स द लाइन, जैसे आपकी हिंदी की कॉपी में या इंग्लिश की कॉपी में होती हैं, दो लाइंस एक दूसरे के बराबर की दूरी पे बनी हुई होती हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जी कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग स्केल हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइन। अब इसमें वो आपकी एक्सरसाइज बहुत काम आएगी जो आपने की थी दो पॉइंट वाली, कि दो पॉइंट वाले लेके और इसको मिलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका। जब आप अपनी आँखों से सामने की तरफ कोई चीज़ देखते हैं तो आपको देखते हैं ना कि ज़मीन और आसमान एक साथ मिलता हुआ दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये वो वाला व्यू है, जैसे आपको कोई ड्राइंग करनी है उसमें आपने यहाँ पे जो है ये आपको धरती दिखाई देनी है और ऊपर की तरफ हमें यहाँ सूरज दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो दिस लाइन इज़ वेरी एसेंशियल इन आर्ट। ये लाइन क्या कहलाती है? ओरिएंटल लाइन कहलाएगी, और इसी के अराउंड आप सारी आर्ट जितनी भी ड्राइंग करेंगे वो करते हैं, ठीक है। तो बेसिक है कि आपको ओरिएंटल लाइन्स जो हैं वो अच्छे से ड्रॉ करनी आती है। प्रैक्टिस कीजिए एक के बाद एक फ्री हैंड, और इसके बाद, इसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, इसका रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल मीन्स अभी आप गए थे किस डायरेक्शन में? लेफ्ट टू राइट। अब आप जाएंगे राइट टू लेफ्ट, जस्ट लाइक दैट। गॉट इट? ये बहुत इजी है लेकिन बहुत टफ है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेटली रोज़ करेंगे, ताकि जो है आपकी हिंदी भी हिंदी कह रहे हैं, आपकी आर्ट्स भी अच्छी हो जाए, और राइटिंग के टाइम भी आपको ये लाइंस बहुत हेल्प करेंगी। आप देखेंगे इसके बाद जो है आप इसका क्या करेंगे, ये तो हो गई हॉरिजेंटल लाइन, अब हम करेंगे वर्टिकल लाइंस, यानी खड़ी खड़ी लाइंस, ठीक है। और उसके बाद इसका भी रिवर्सल करेंगे हम, इसको वापस ऊपर की तरफ, पहले द वे अपसाइड डाउन, देन गो डाउन साइड अप और अपवर्ड्स, ठीक है। कोशिश करना लाइंस पैरेलल रहे, नहीं हो रही हैं डोंट बॉदर, प्रैक्टिस करते रहेंगे ये इम्प्रूव हो जाएंगी और आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड चीज़ होती है स्लांट लाइंस। यू नो स्लांट लाइंस जो ना हॉरिजॉन्टल होती हैं ना वर्टिकल होती हैं, बल्कि डायगोनल टाइप की होती हैं ऐसे, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्लांट लाइंस, ठीक है। ये इसकी भी प्रैक्टिस वैसे ही करेंगे, पैरेलल खींचने की कोशिश करनी है, ठीक है, और इधर से भी पैरेलल खींचने की कोशिश करनी है, और फिर इसका रिवर्सल करेंगे, डाउन साइड से शुरू करेंगे अपवर्ड, और इधर भी डाउन साइड से अपवर्ड। देखिए अब यहाँ पे हमारी लाइन भी पैरेलल नहीं आ रही है, कॉज कैमरा है होल्ड किए हुए, वो परेशानी करता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए आ जाएंगे। गॉट इट? इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हम लेंगे कि इसी प्लेन में हम दो डॉट लेंगे पहले, उसके बाद उन दोनों को मिलाएंगे, फिर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, फिर इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इस टाइप से, जैसे आप कभी कभी ड्रॉ करते हैं, सन ड्रॉ करते हैं, फिर आप दिखाते हैं, हिंदी मैम आपको बताती हैं कि वो सूरज की किरणें, तो आप किरणें कैसे मेंशन करेंगे? तो किरणें मेंशन करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे 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 करके बनाते हैं, ठीक है। द सन इज
शाइनिंग। तो इस ड्राइंग में भी एसेंशियल पार्ट क्या है कि किसी एक गिवन पॉइंट से हम इसके चारों तरफ किस तरह से लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी मस्ट है। तो हम अभी तीन तरह की एक्सरसाइज हमने सीखी, एक तो पैरेलल लाइंस सीखी, दो लाइन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसके पैरेलल सीखेंगे, फिर हम वर्टिकल लाइंस खींचेंगे और फिर इसका रिवर्सल करेंगे, फिर हम स्लांट लाइन खींचेंगे, फिर इसका रिवर्सल करेंगे, फिर ऐसे स्लांट लाइन खींचेंगे और फिर इसका रिवर्सल करेंगे। ठीक है, और एक किसी पॉइंट से इसके चारों तरफ लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इफ यू आर अ मैथ लवर देन यू आल्सो ज़रूरी 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 100% कि आप अगर मैथ्स पसंद करते हैं तो आपकी आर्ट्स अच्छी हो ही जाएगी, और अगर आपकी आर्ट्स अच्छी है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। एंड यू हैव वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, और कोविड है, बाहर ज़्यादा नहीं घूमेंगे, मम्मी पापा के साथ जाएंगे जहाँ भी जाना, और प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।